सोमवार की शाम कामरहट्टी फाड़ी के पास कुछ बदमाशों ने एक युवक को अपने बंदूक का निशाना बनाया। घायल युवक की पहचान 20 वर्षीय साहेब अली के रूप में हुई है। पुलिस ने युवक को आरामबाग से बरामद किया और बेलघरिया के गैर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। सूत्रों के अनुसार युवक को फोन कर ऑटो स्टैंड बुलाया गया था। युवक के ऑटो स्टैंड आते ही उस पर गोलियों से हमला कर दिया गया। एक गोली युवक के सीने पर लगी। पुलिस द्वारा युवक को अस्पताल ले जाने के बाद चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इस घटना में बेलघरिया थाने की पुलिस ने एक आरोपी को अपने कब्जे में लिया है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने मृत युवक की मोबाइल को भी अपने कब्जे में लिया। इस बीच मृत युवक के परिजनों ने पुलिस से मोबाइल की मांग की है, लेकिन मामले की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए पुलिस ने मोबाइल देने से मना कर दिया, जिससे मृत युवक के परिजनों ने गुस्से में आकर अस्पताल में तोड़फोड़ की। मेरा भतीजा घर में सोया था और उसको फोन करके बुलाया गया है, हैं? उसको फोन करके बुला के कौन बुलाया फोन करके मोबाइल नहीं दे रहा हम तो मोबाइल चाहिए ना मोबाइल में नंबर होगा लास्ट कौन फोन किया कोई दुश्मन मार रहा है भाई कोई कुछ ना बिगड़ ले रहे हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए इलाके में पुलिस पिकेट बिठाई गई। वहीं कामरहट्टी फाड़ी से कुछ ही दूर पर कमरहट्टी के लूट बागान जैसे इलाके में ऐसी घटना कैसे घट सकती है, इस बात को लेकर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इंडिया फोर्स गेटे बोलो ना पीतलदा सुने मंगलदा ऐले के गुली लेगे मंगलदा ऐले भागिना देखिए पूरा माझामाझी भीड़ आड़ी ठीक है। तरह हमें तो एख एस काका के लिए और नाना के लिए एस फाड़ी ओरा भरे आ এখন আমি শুনছি যে আমাদেরকে বের করিয়ে যেতে হবে, আমাদের যখন পুরো পৌরসেবা কামাটি সামাল। मंगलवार की सुबह कैनिंग स्टेशन के अप कैनिंग सियालदा लोकल में एक व्यक्ति खून से लथपथ ट्रेन के अंदर पड़ा हुआ मिला। काफी देर तक उसी हालत में पड़े रहने के बाद आखिरकार रेल पुलिस की तरफ से घायल व्यक्ति को बरामद किया गया और अस्पताल ले जाया गया। रेल पुलिस का अनुमान है कि चलती ट्रेन से कटकर व्यक्ति घायल हो गया। তারপর কি হলো তারপর তো এই যে এদের ডাকলো আজিও কোন ছিল এখানে উনি তো দাঁড়িয়ে ফোন করে করে সব ডাকলো আরপিএফ নিয়ে গেল।